चलिए दोस्तों, आज हमको आपको बताते हैं कि 3 HP चक्के की मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, हम पहले तो इसको जॉइंट कर रखे हैं और खुले में भी बताएंगे और डायग्राम पे भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे YouTube, आज मेरा YouTube चैनल से बने रहिए, तो हम आपको हर प्रकार की नई नई जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो रनिंग और स्टार्टिंग जो दोनों का कॉमन हो चुका है, जिसमें से हम लाइट का तार निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में हमें जो वायर लेना है, जो हमें रनिंग का वायर लेना है हाथ में, रनिंग के वायर पे जो अपने दोनों कैपेसिटर होते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग, जैसे कि 200 250 और 20 MFD, दोनों वायर को, जैसे कि ये 200 250 है और ये 20 MFD है और ये रनिंग वाले है, तीनों को कॉमन करना है और इसमें से एक लाइट का तार बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग कंडीशनर का, सॉरी दोस्तों, स्टार्टिंग कोयल का। तो ये स्टार्टिंग कोयल का वायर है अपने पास में, जो आपको ये पीला वाला वायर दिख रहा है, ये स्टार्टिंग कोयल का वायर है, ठीक है दोस्तों। इससे जो ये जुड़ा हुआ है, जो एक तो ये रनिंग वाला है 20 MFD, जो पीला वायर है ये 20 MFD वाला जुड़ा हुआ है, और दूसरा वायर है जो क्लच का जुड़ा हुआ है, क्लच से कनेक्टिंग होकर ये निकल रहा है। तो ये दो तार तो क्लच के हैं, स्वयं वाले, एक ही लाल वाले जो एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये है और एक है, ये दोनों वायर कनेक्टिंग हो गए। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, मैं हमें स्टार्टिंग वायर लेना ही है, इसमें जोड़ना है हमारे को एक क्लच का जोड़ना है और एक 20 MFD का जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब देके वहां से मालूम भी कर सकते हो। और उसके बाद में अपने पास में दो वायर रहते हैं, जैसे कि एक क्लच का रहता है और एक स्टार्टिंग कंडीशनर का रहता है, तो उन दोनों को जोड़ देना है। ये हो जाते हैं अपने कनेक्शन, और हमें इसमें से दो तार बाहर निकालने रहते हैं लाइट के, जो कहाँ से निकालते हैं, जो दोनों रनिंग वैसे ही निकालते हैं, जैसे कि एक रनिंग यहाँ पे, तो यहाँ से जॉइंट करके बाहर निकाल लो, और एक यहाँ से कॉमन पे से निकालना है, यहाँ से दोनों वायर बाहर निकालने हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, हम नई नई वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे दोस्तों। तो अब हम डायग्राम में समझा देते हैं दोस्तों आपको। तो हमारी दुकानें हैं दोस्तों, दुकान पर ही आपको बता रहे हैं, तो देख लीजिए डायग्राम में दोस्तों, हमने डायग्राम बना रखा है इसका, और उस पर बता देते हैं जो कि अभी बनाया है। तो अपने 3 HP चक्की की मोटर है, जिसपे कैपेसिटर वाली, जिसपे 25 MFD और 200 250 लगेंगे। ये 200 कैपेसिटर के बनाए मैंने दोनों, यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने कैपेसिटर के लगा दिए। तो उसमें से हमारे आपको बता दो दोस्तों कि चलिए दोस्तों, तो ये रनिंग वाला वायर है लोड का, और ये स्टार्टिंग वाला है। तो दोस्तों, यहाँ से इन दोनों को एक जगह कनेक्टिंग करना होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे कनेक्टिंग कर लिए, ठीक है दोस्तों, ये कॉमन हो जाता है, जिस प्रकार इसका कॉमन था। इस वायर को थोड़ा पास में ले लेता हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखने में कोई दिक्कत हो रही होगी, जैसे ये कॉमन था, जैसे कि स्टार्टिंग और रनिंग उसी प्रकार का कॉमन ही है दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं पूरे कनेक्शन खोल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। उससे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में आपको एक बार खोल के दिखा दूंगा मैं। तो दोस्तों, ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन, ये कॉमन हो गया। इसके बाद में दोस्तों, आपको रनिंग का वायर लेना है, रनिंग का वायर जो कि अपने पास में ये वाला है, एक तो कॉमन में चला गया और ये आपको बताया स्टार्टिंग और रनिंग, तो दोनों, एक वायर स्टार्टिंग का और एक वायर रनिंग का, दोनों बचा। इसमें से हमारे को एक स्टार्टिंग का वायर लेना, ये रनिंग का वायर लेना है, सॉरी। तो हमने ये रनिंग का वायर ले लिया, यहाँ से ये उठा दिया, ठीक है। इसमें उठाने के बाद में दोस्तों, दो कैपेसिटर आपके पास है, उन दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर देना है, जैसे कि एक ये 200 250 और एक ये 25 MFD, जैसे कि एक इसका 200 250 का और एक 25 MFD का, दोनों का एक एक वायर लेना है, वह हमने रनिंग वायर में लगाना है, इस वाले रनिंग वायर में लगाना है। तो यहाँ से हम कनेक्शन करते हैं इसमें रनिंग वायर में, ये रनिंग है, तो यहाँ से हम 200 250 को एक तार उठाते हैं
और यहाँ से इसमें ज्वाइंट कर देते हैं रनिंग वाले में, और एक वायर इसका लेना है जो कि 225 mFD है, उसका एक वायर लेना है और एक वायर इसमें ज्वाइंट करना है। ये इसमें यहाँ पे तीन तार हो जाएंगे दोस्तों, तीन तार हो गए। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार इसमें तीन वायर हैं, इसमें तीन जुड़े हुए हैं, देख लीजिए 25 mFD, 200-250 और रनिंग, ये तीन वायर है। इसी प्रकार से इसमें भी तीन वायर हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में हम आगे का आपको बताते हैं, उसके बाद में आगे आपने वायर लेना है वो कौन सा लेना है, स्टार्टिंग वायर लेना है जो कि हमारे पास में ये स्टार्टिंग वायर है। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्टार्टिंग वायर है। स्टार्टिंग वायर में हमें क्या करना है दोस्तों कि इसमें एक तो दोस्तों क्या करना है अपने को, एक तो जो कि 25 mFD कैपेसिटर है, तो ये 25 mFD कैपेसिटर है दोस्तों, इसको यहाँ से निकाल के और इसमें ज्वाइंट करना है। इसमें ज्वाइंट करने के बाद में दोस्तों ये स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग में एक कलच का वायर भी जाता है जो दोस्तों हमने बनाया नहीं है, वो 2 मिनट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे कलच वायर दे दिए हैं दोस्तों, दोस्तों यहाँ से निकलते पर आप हमारे को यहाँ से दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझने के लिए इतना भी खूब रहता है दोस्तों वैसे तो। तो इसको हमें क्या करना है, एक कलच वाले को इसमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, यहाँ भी तीन वायर होंगे दोस्तों, ये तीन वायर हो जाएंगे, जैसे कि एक 25 mFD है, एक स्टार्टिंग है और एक कलच का है, तीनों वायर एक जगह हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारे पास में अब वायर बचे हैं दो, वो कौन कौन से बचे हैं आपको पता ही होंगे दोस्तों, एक तो कलच वाला बचा है ठीक, और एक बचा है हमारे 200-250 का। जैसे कि एक वायर तो ये कलच का है, ये तो कलच का मोटा वायर है मेरे पास में, और ये स्टार्टिंग कंडीशनर का है, जैसे कि 200-250 का लाइल वायर ही आता है अधिकतर कंडीशनर के साथ में, तो ये वही है। तो इन दोनों को कॉमन करना है। अब इन दोनों को कॉमन कहाँ से करना है दोस्तों, ये हमें यहाँ से निकाल के, सॉरी दोस्तों यहाँ से दूर, यहाँ से निकाल के ले जाता हूँ दोस्तों, तो डायग्राम में कोई परेशानी आएगी इस वजह से। मैंने यहाँ से निकाल के और ये अपने 200-250 कैपेसिटर से जॉइंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इधर से लेके जाते हैं तो वही बात थी दोस्तों, पर इसमें क्या है काटा पीटी होती, इस वजह से मैंने इधर से घुमा दिया, तो कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ये 200-250 से मिलाना था एक कलच वायर को, तो मैंने मिला दिया। अब दोस्तों आपको कनेक्शन बता देता हूँ, मैं आपको बोला था कि मैं खुल कर भी कनेक्शन आपको बताऊंगा कि आप भी समझ सकते हो उस चीज को। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने पूरे कनेक्शन खोल दिए हैं, और खोलने के बाद में आपको एक, तो दोस्तों मैंने पूरे कनेक्शन खोल दिए हैं, खोलने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वायर कहाँ का है और कौन सा वायर कौन सा है, क्या नाम है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने दो वायर निकाले, एक तो ये है जो रनिंग का वायर है और एक ये है, ये दोनों रनिंग के वायर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो ये दो वायर बीच में दिक्कत कर रहे हैं वो दोनों 25 mFD के हैं, 25 mFD इधर लगा हुआ है जिसके दोनों वायर है ये पीले वाले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये दो रेड वाले वायर है जो ये 200-250 mFD के वायर है, और उसके बाद में जो ये पीले वाले वायर आपको दिख रहे हैं लंबे वाले, ये वायर है दोस्तों अपने स्टार्टिंग कनेक्शन के वायर है, ये वाले रनिंग के थे और ये स्टार्टिंग के थे। उसके बाद में दोस्तों ये दो वायर आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, ये बड़े वाले जो दोनों वायर हैं जो कलच के हैं, अपने यहाँ जो कलच लगा हुआ है उसके दोनों वायर हैं। हमने सादा कनेक्शन किया है, अपने मोटर को बांध दी थी तो हम अंदर से कनेक्शन नहीं करना चाहते थे, वैसे तो अंदर से ही करते थे पर आपको दिखाना था, इस वजह से हमने बाहर से कनेक्शन किया है दोस्तों। अब आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये स्टार्टिंग कंडीशनर के दोनों वायर है और ये दोनों रनिंग कंडीशनर के हैं 25 mFD के, दोनों स्टार्टिंग, दोनों रनिंग और दोनों कलच के वायर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि स्टार्टिंग और रनिंग को आपको पता है कि कौन से हैं, तो उन दोनों वायर को एक जगह करना है। स्टार्टिंग और रनिंग वायर को हमने दोनों को एक जगह कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रनिंग वायर लेना है ठीक है, और इसमें से एक 25 mFD का और एक 200-250 का,
ठीक है दोस्तों, ये तीन वायर हो जाते हैं यहाँ पे, ये तीन वायर हो जाते हैं, ये तीन वायर हो जाते हैं दोस्तों, 25 MFD, 200, 250 और रनिंग, तीनों को एक जगह करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में क्या करना है, आपको एक स्टार्टिंग का वायर लेना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वायर, जैसे कि ये स्टार्टिंग वायर है अपना, इस पे एक तो कलज वाला लेना है, ठीक है दोस्तों, और एक 25 MFD का लेना है, तीन वायर लेना है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वैसे एक 25 MFD का और एक कलज का और एक स्टार्टिंग का वैसे नजर आ रहा है दोस्तों, इस प्रकार देख लीजिए वैसे के वैसे ही है। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों इसका, तो ये तीनों वायर एक जगह कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों हमने वो ज्वाइंट कर दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली जो हमने आपको जो कलज वाला वायर बताया था, जो कि 200-250 MFD पे जा रहा है यहाँ से, तो वो दोनों वायर ये बचे हुए, ये कलज वाला है, ये 200-250 है, इसको इससे ज्वाइंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने वो स्टार्टिंग और रनिंग ज्वाइंट में कर दिया, जो कि आपको डायग्राम में बताए थे। अब आपको सभी इन तार, इस तार को और इस तार को टेप कर सकते हो, और बाकी दो वायर छोड़ सकते हो। और दो वायर किस लिए दोस्तों, इस पे एक लाइट का तार आएगा, जिसपे हमने एक वायर लगा दिया है, और दूसरा वायर हम आपको बताते हैं, दूसरा भी इस रनिंग पे आएगा तो हम तार लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों दोनों टर्मिनल पे तार लगा दिए हैं, और तार लगाने के बाद में हमारे पास में ये लीड बचती है, जो कि लाइट के जाकर लगती है। तो हम लाइट के लगाकर भी आपको दिखा देते हैं। अगर हमारा आज मेरा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मोटर के बारे में पूछ सकते हो आप हमसे।